presents Bear Music. पधार चुके हैं गुरुदेव के पावन श्री चरणों में, कोटिस कोटिस बारंबार वंदन करना चाहूंगा, क्योंकि ना मिलने की खुशी और ना बिछुड़ने का गम। और कैसे कहा है कि कैसे है हम गुरुदेव, यूं समझ लो कि आपके आशीर्वाद के बिना अधूरे हम, आपके आशीर्वाद के बिना अधूरे हम। और डीजे का भावजी के द्वारा मैं निवेदन कर रहा हूँ, ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्रार्ध वायश्च प्राणश्च मुखा दग्निर जायत दीप ज्योति नमस्तुते। दीप देवता का प्रणाम करते हुए मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ पधारे भाई साहब। ऐसे गुरुदेव हमारे बीच में अनंत श्री विभूषित संतोष गिरि जी महाराज का पदार्पण हुआ है। बहुत मधुर आवाज के धनी परमानंद श्रीमान नरेश जी प्रजापति हमारे बीच में, आपका भी ओम बिस्तोई दिल का जेम गहराइयों से इस मंच के माध्यम से तह दिल से हार्दिक स्वागत। और अब रंधन करना चाहेगा परमानंद श्रीमान चैन सिंह जी जांघेड़ और उनका पूरा परिवार, जिनके बैनर तले आज ही हर वर्ष की भांति इस वर्ष में एक बहुत सुंदर भक्ति और भागीरथी का हमीरगढ़ सरपंच साहब जिनका भी इस मंच के माध्यम से अभिनंदन है। और आज की इस भक्ति संध्या में फ्रंट लाइन के अंदर जितने भी मुख्य अतिथि गण पधारे हैं, जिनका ग्रुप का रायपुर मेले में और रूपा खेड़ा में जड़ोल माता जी, जहाँ जहाँ भी उधर उधर कार्यक्रम होता है आदरणीय साहब का पधारना होता ही होता है। और हम सभी लोग आज बहुत अंतर मन से दिल की अजीम गहराइयों से आदरणीय एमएलए साहब का बहुमान करते हैं। राजस्थान की आनमान और शान का प्रतीक ये साफा पहना करके हम सभी लोग जो है आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय विधायक महोदय का स्वागत कर रहे हैं वैकुंठ भैरवनाथ के 29वें वार्षिक उत्सव में। ये राजू जी जांगीर चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की एक ऐसी जोड़ी है। जनों के जितने पदाधिकारी यहाँ पर विराजे हैं, जिनका बहुमान किया जा रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हम सभी के बीच में हमारे बहुत अंतर्मन के मित्र, एक ऐसी शख्सियत है गरीब को गणेश मान करके राजनीति से बिलोंग करते नहीं, समाज सेवा का जिनका भाव है और पहलवानी की तरह जिनमें ऐसी मर्दानगी परमपिता परमात्मा ने बख्शी है, मैं निवेदन कर रहा हूँ श्याम जी भाई साहब। हा 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 क्या बात है दोस्तों, तो तुम्हें पता नहीं कि तुम कितने प्यारे हो, हमारी जान हो और हमारी जान से भी ज्यादा प्यारे हो। अरे क्या फर्क पड़ता मिलने या ना मिलने से, आप कल भी हमारे थे और आज भी हमारे हो पधारो ना। श्याम जी हमारे पहलवान साहब से मैं निवेदन कर रहा हूँ, बहुत प्रेम रखते हैं कलाकारों से, भजन भी सुनाते हैं, मैंने इनके श्रीमुख से देवदड़ी की रचनाएं भी सुनी हुई है। और भजन प्रेमी होना, सत्संग प्रेमी होना, एक गुरुमुखी व्यक्ति इतना सब कुछ कर सकता है। श्याम जी भाई साहब से मेरा निवेदन है परारी है। हाँ श्याम जी का भी स्वागत करेंगे बहुमान करेंगे। क्या बात है, हमारे बीच में आदरणीय श्रीमान श्याम जी, हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युवा दिलों की दिलोदेश धड़कन, एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन करते हैं। हमीरगढ़ सरपंच साहब, हमीरगढ़ सरपंच साहब, तेजा जी महाराज का इतना विशालतम मेला लगता है, ग्राम पंचायत के बैनर तले आप कार्यक्रम करवाते हैं और हर वर्ष जिस तरीके से राजस्थान के फ्रंट लाइन, आज ये राजस्थान के फ्रंट लाइन के कलाकार, एक एक कलाकार जो एक एक रात का राजा है, वो यहाँ पर आकर के अपनी प्रस्तुति जो है वो बिल्कुल निष्काम कर्म योगी की तरह यहाँ पर दे रहा है। नेहरूदास जी का भी साथ ही साथ आत्मीय सम्मान मोमेंटो भेंट करके चैन सिंह जी द्वारा किया जाए। प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में राजस्थान के लाडले अपनी मधुर स्वर लहरियों में विराट भजन संध्या में अमूल्य योगदान हेतु आपका आभार, आत्मीय आभार एवं धन्यवाद। परदंदन हो रहा है श्री सर्वणी चंद्रिका। अरे यूं तो जो संपर्क में लाखों युद्ध आते हैं, लेकिन सीता उसी को मिलती है जिसमें राम होता है। मैं ये कोई एमोक्रेसी वाली बात करूंगा नहीं, और चैन सिंह जी का जिस तरीके का सेवा भाव है, क्योंकि दीप वही जलता है जहाँ स्नेह का संचार है और मीत वही मिलता है जहाँ मधुर व्यवहार है। स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हमारे हृदय में बड़ा हर्ष है, अनुग्रहित किया आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। भेंट तो भेंट करके स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत किया जा रहा है। आइएगा मैं निवेदन कर रहा हूँ अगले पायदान पर। हाँ समझ गया ना साहब, यही तो बात है। और जिनके पिता श्री परमादरणीय श्रीमान जसवंत जी हमारे बीच विराजित हैं। Thank you.
उंगलियों का ढंग चाहिए। श्री प्रकाश जी नागेचा दुर्घटना से हमारे बीच में जिनका अभिनंदन हो रहा है श्री श्यामसुंदर जाखीड़ के पावन श्री के कलमों से आदरणीय श्रीमान राजीव जी रावल आप आ जाए।